सो नमस्कार दोस्तों, वापस आपके अपने चैनल व्लॉग्स बाय एनके पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे कुछ प्लान नहीं था कहीं जाने के लिए, बट आज तला भाई का कॉल आता है कि नीचे आप कुछ दिखाना है। तो इन्होंने पता है क्या दिखाना था? ये इन्होंने ले लिए BM। तो लास्ट टाइम मेरी BM से गए थे और इनके पास ऑलरेडी एक BM और है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, बीमर आदर फैन है, ठीक है। तो फिर इनका प्लान बन गया कि आज हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज, तो चलते हैं ग्लोबल विलेज। अभी रास्ते से हम एक फ्रेंड को और पिक करेंगे और फिर मिलते हैं ग्लोबल विलेज में। सी यू। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम पहुंच गए ग्लोबल विलेज और पीछे तला भाई गाड़ी पार्क कर रहे हैं। ये खड़े हमारे अमरेश भाई, ये गुम हो जाते थोड़ी थोड़ी देर में। और बहुत बड़ा पार्किंग लॉट पर दिखाता हूँ कितनी बड़ी पार्किंग है आज, क्योंकि मुझसे मिलने आई है एक इंडिया से बहुत स्पेशल लड़की जिसका नाम है नेहा कक्कड़। हाँ जी, जेलस मत फील करो, मेरे से मिलने आई है, दिखाऊंगा अंदर जाके। आज ग्लोबल विलेज बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज का कल्चर दिखाया जाता है, जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान सबके अलग अलग पेविलियंस बने हुए हैं, जहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं कि क्या लोग खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, पहनना ओढ़ना, डेली रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे परफ्यूम्स वगैरह हो गए, मसाले हो गए, जो हम अपनी डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो हर एक कंट्री का अलग अलग कल्चर दिखाया जाता है। ये है टिकट काउंटर, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आप टिकट काउंटर को अवॉइड करो ऑनलाइन बुकिंग करके, और इससे टाइम बहुत बचता है, बहुत बचता है। तो ये आ गए हम फाइनली ग्लोबल विलेज, और ये जो आप सामने देख रहे हैं, जब एक क्यू आपको दिख रही होगी, वहाँ पे लोगों ने लाइन लगाई हुई है, और हम जाएंगे अपने टिकट कराएंगे स्कैन और करेंगे अंदर एंट्री ग्लोबल विलेज पे। ग्लोबल विलेज ऐसे देखेंगे आप, छोटे छोटे खाने पीने के क्योस बने हुए हैं दोनों साइड्स पे हैं, लेफ्ट राइट। आज आप देख रहे हैं ना, बहुत क्राउडेड है, बहुत क्राउडेड है। और मेरा मानना यह है कि साल में एक बार आना ग्लोबल विलेज में बनता है, और काफ़ी अलग जगह है ये। जैसे आप, कोशिश करता हूँ थोड़ा ऊपर से दिखाने के लिए, तो फाइनली अभी हम जो जाएंगे यूरोप में जा रहे हैं, यूरोप पेविलियन। तो यहाँ पे तीन साथ साथ हैं, यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका। तो फिलहाल हम यूरोप के अंदर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेविलियन हैं, आप सब में नहीं जा सकते एक दिन में। Thank you.
फाइनली अभी हम निकले हैं चाइना पेविलियन से। तो मुझे ना चाइना में जाके चाइनीज फीलिंग आ गई है, तो मैंने सोचा कि अब आए हैं तो चिंचिन पे चलते हैं और हम अब जाके देखते हैं कि हम क्या खा सकते हैं चाइनीज कुछ अच्छा। चलिए अब आपको तो एक्सप्लोर कराएंगे हम चिंचिन। तो फाइनली हमारा खाना पीना हो चुका है, चिंचिन का खाना खाया है, अच्छा था। अब आपको लेके जा रहे हैं हम इंडियन पेविलियन में। फाइनली हम एंटर हो चुके हैं इंडिया पेविलियन के अंदर। यहाँ पे आपको पूरा इंडियन फूड, इंडियन कल्चर, कपड़े सब कुछ मिलेगा। गाइज अगर आप देखेंगे ना तो इन्होंने बोट के अंदर ये छोटे छोटे क्योस बनाए हुए हैं जहाँ पे इनकी किचन है, यहाँ से खाना बनाते हैं। और बाहर अगर आप देखेंगे बेंच एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे आप आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा एरिया अगर आप आते हैं टाइम स्पेंड करने फैमिली के साथ, मतलब फॉर अ चेंज वंस इन अ ब्लू मून, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। तो फाइनली अभी तक हमने दो पेविलियन टूर कर लिए हैं, जिसमें से एक इंडिया था और दूसरा पेविलियन हमारा यूरोप था। तो आपने इसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी होगी, किसी भी पेविलियन के अंदर चले जाओगे आपको फ्रेगरेंस हमेशा मिलेगी और सबसे ज़्यादा अरेबिक फ्रेगरेंस है यहाँ पे। बाकी अभी हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेविलियन घूम सकते घूम लें, बट चक्के सारे ये है कि हम ऑलरेडी थक बहुत चुके हैं, चलना बहुत पड़ता है। आप भी आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम एक दिन में सारे पेविलियन घूम लेंगे, जो कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते। कभी भी आओ, अच्छा खुला टाइम लेके आओ ताकि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेविलियन घूम सकते हो घूमो। और आप एक दिन में तो घूम ही नहीं पाओगे, तो अगर आपने पूरा ग्लोबल विलेज कभी एक्सप्लोर करने की सोची है तो आप 5-6 बार ही आपको आना पड़ेगा। और अगर आपके बच्चे हैं प्लीज़ आओ, या फिर झूले हैं उनको झुलाओ और अच्छे से इंजॉय करो। चलो अब हमारे साथ चलेंगे हम पाकिस्तान पेविलियन। पाकिस्तान में लेदर बहुत मशहूर है, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे लेदर जैकेट्स की काफ़ी शॉप मिल जाएंगी आपको। बट इतना वर्दी रहता नहीं यहाँ से लेना, क्योंकि 4-5 गुना ऑलरेडी महंगा होता है, क्योंकि इनके अपने रेंट वगैरह भी होते हैं जो इनको ऑब्वियसली देने हैं, पे करना ही है ना। तो ठीक है, शौकिया लोग हैं ले सकते हैं, कि कुछ यादें होती है कि हम आए थे ग्लोबल विलेज, कुछ ना कुछ लेके जाना है।
फाइनली हम अपने पेवेलियंस 3 कर पाए कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम था। इंडिया, पाकिस्तान और यूरोप, थोड़ा सा इराक करा था और चाइना थोड़ा सा करा था, क्योंकि चाइना तो जाना बनता है ऑब्वियसली। देखें तो सही चाइना का माल होता कैसा है। अब हमारा हो गया है, हम थक चुके हैं काफ़ी घूम घूम के, अब फाइनली हम जा रहे हैं।